please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. क्या सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल करती थी रिया चक्रवर्ती? क्या रिया ने सुशांत के 15 करोड़ रुपए गायब किए? क्या सुशांत के मानसिक तनाव का कारण रिया थी? सुशांत की जिंदगी में किस तरह से और किस हद तक दखल देती थी रिया? सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला थाने में दर्ज करवाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिता ने 10 इल्जाम रिया पर लगाए हैं। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ खेती में दिलचस्पी, नहीं मिला रिया का सपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म इंडस्ट्री छोड़ना चाहते थे। वो केरल के कुर्ग में शिफ्ट होना चाहते थे और ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इस बात का समर्थन नहीं किया। रिया ने सुशांत को बताया था कि वो मुंबई से शिफ्ट नहीं हो सकती है। 6 जून 2020 को रिया ने घर से कैश, लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड, अहम दस्तावेज और मेडिकल रिकॉर्ड लेकर चली गई। मोबाइल नंबर ब्लॉक। जब रिया को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में रहने के लिए राजी नहीं होगा, तो 6 जून 2020 को रिया ने सुशांत के घर से कैश, गहने, क्रेडिट कार्ड, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप और उनके मेडिकल रिपोर्ट्स लिए और उसका घर छोड़कर चली गई। यहां तक कि रिया ने अपने फोन में सुशांत का नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। मीडिया के सामने खुलासा करने की धमकी दी है कि वो पागल हो गया है। एक बार सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन को बताया कि रिया ने उसके सभी डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं और उसने मीडिया के सामने खुलासा करने की धमकी दी है कि वो पागल हो गया है और कोई भी उसे काम नहीं देगा। 2019 में रिया से मिलने से पहले सुशांत किसी भी मानसिक रोग से पीड़ित नहीं था। सुशांत के इलाज के लिए क्यों नहीं ली गई परिवार से सहमति? अगर सुशांत का किसी तरह के मानसिक रोग का इलाज किया जा रहा था तो परिवार के सदस्य सहमति क्यों नहीं ली गई? दवाइयों के ओवरडोज से तबीयत बिगड़ी। रिया ने सबको बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है। इलाज के दौरान रिया सुशांत को अपने घर ले गई थी क्योंकि दवा की ओवरडोज हो जाने से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन रिया ने सबको बताया कि सुशांत को डेंगू हो गया है। फिल्म साइन करने पर रोक। सुशांत पर रिया ने दबाव डाला कि फिल्म की हीरोइन वो ही बने। रिया सुशांत को कोई फिल्म साइन नहीं करने दे रही थी। जब भी कोई ऑफर आता तो वो सुशांत को इस बात के लिए मजबूर करती थी कि फिल्म में उसे हीरोइन की भूमिका में लिया जाए। इसी शर्त पर सुशांत उस प्रोजेक्ट को स्वीकार करे। स्टाफ की अदला बदली। सुशांत का भरोसेमंद और पुराना स्टाफ रिया ने बदल दिया था। उनकी जगह उसने अपने जाने पहचाने लोगों को काम पर रखा था। दिसंबर 2019 में मोबाइल नंबर बदलने के लिए मजबूर। फैमिली से मिलने जाने पर रोक टोक। दिसंबर 2019 में रिया ने सुशांत को अपना मोबाइल नंबर बदलने के लिए मजबूर कर दिया था ताकि वो अपने परिवार और करीबी लोगों से बात ना कर सके। रिया सुशांत को पटना में उसके परिवार से मिलने जाने भी नहीं देती थी। सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए रिया ने क्यों लिए? उन पैसों को कहां ठिकाना लगाया है रिया ने? साल 2019 में सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए थे, लेकिन एक महीने के भीतर 15 करोड़ रुपए कुछ ऐसे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए जो सुशांत के खाते से लिंक भी नहीं थे। तो उस पैसों को रिया और उसके सहयोगियों ने किस तरह धोखे से ठिकाने लगा दिया? इस केस में नया मोड़ आ गया। 14 जून को उनके निधन के बाद तमाम सवाल उठे और बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गुटबाजी को लेकर भी बहस हुई, लेकिन अब सुशांत के पिता ने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में शॉकिंग है। उन्होंने इस पूरे केस की थ्योरी ही बदल दी है। पिताजी के इन खुलासों ने पुलिस को इस केस में एक नई दिशा दे दी है और अब रिया से इन पॉइंट्स पर इंटरोगेशन होगी। आपको क्या लगता है, क्या रिया की वजह से सुशांत परेशान थे? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।